क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में टॉप पर है और लगातार शानदार खेल दिखा रही है और करीब करीब हर मैच में चेन्नई को मैच जिताने वाला खिलाड़ी अलग ही था। पिछले मैच में तो शेन वॉटसन ने अकेले दम पर ही मैच जीता था और वो भी तब जबकि उन्हें हटाने की लगातार मांग हो रही थी, लेकिन धोनी ने वॉटसन को लगातार सपोर्ट किया। लेकिन अब चेन्नई के एक दिग्गज ने मुंबई के खिलाफ मैच से ठीक पहले संन्यास का ऐलान कर दिया है, जो सीएसके के साथ धोनी के लिए भी बड़ा झटका है। तो आप भी इस पर कमेंट जरूर करें। तो चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर शेन वॉटसन ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। वैसे तो वॉटसन इंटरनेशनल क्रिकेट से 2015 से ही दूर हैं, लेकिन वो दुनिया भर की लीग में खेलते रहे हैं। लेकिन अब शेन वॉटसन की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वो अब बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे। वॉटसन ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली बिग बैश लीग में सिडनी थंडर के लिए खेलते हैं और 2016 में उन्होंने अपनी टीम को खिताब भी दिलाया था, लेकिन अब वॉटसन बिग बैश लीग नहीं खेलेंगे, साथ ही साथ कैरेबियन और पाकिस्तान लीग भी नहीं खेलेंगे। हालांकि वॉटसन ने रिलीज में ये साफ नहीं किया है कि वो आईपीएल खेलेंगे या नहीं, लेकिन इतना तय है कि शायद अगले साल वो आईपीएल में भी ना दिखे, लेकिन इस बार खेलेंगे फिलहाल इतना तय है। अब भले ही इस बार सीएसके को ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगली बार से वॉटसन की कमी सीएसके को खल सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके मेरा हमें जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।